सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले क्लासिक 350 यानी हमारी बुलेट जो कि मॉडर्न हो चुकी है। मॉडर्न यानी इसमें कि फुल LED सेटअप, इसके साथ साथ बहुत सारे नए नए फीचर्स और किक भी हटा दिया गया है। तो यार ये बुलेट रही कहाँ से वो पहली वाली। क्लासिक 350 अपने रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल डिजाइन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस रही इंडिया में। तो चलो बात करते हैं कि 2024 मॉडल में क्लासिक 350 में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं LED हेडलाइट्स की। तो फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि क्लासिक में आपको फ्रंट में LED हेडलाइट, पीछे टेल लैम्प भी है, वो भी LED देखने को मिलता है, और जो भी पायलट लैंप्स है सब कुछ LED आपको देखने को मिलती। यानी कि यार ये बाइक वो क्लासिक वाला फील देगी कि नहीं देगी, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको LED देखने को मिलते हैं, बट जो लोअर मॉडल है उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। टॉप मॉडल में आपको टर्न इंडिकेटर LED देखने को मिलेंगे। इसके साथ एक और फीचर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो है एडजस्टेबल लीवर्स। यानी कि आपको ब्रेक और क्लच लीवर जो है वो एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर है जो रॉयल इनफील्ड ने दिया है, और ये भी आपको टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलते हैं, जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ एक और फीचर की बात करते हैं, तो अब आपको इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी फीचर देखने को मिलता है। जो आपको टॉप मॉडल है उसमें ये फीचर आपको देखने को मिलेगा, यानी आप कहीं लॉन्ग टूर पे जाते हो तो गूगल मैप्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं, आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ एक और फीचर की बात करते हैं जो ऐड ऑन किया गया इसके अंदर, वो है आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर। यानी अब इस बाइक में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलता है, कौन सी गियर पे हो वो आपको दिख जाएगा। इसके साथ एक और फीचर है जो ऐड किया गया, वो है टाइप सी चार्जर। यानी अब अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो आराम से USB टाइप सी चार्जर से। इसके साथ जो टॉप मॉडल है इसमें आपको एलॉय व्हील्स ऑलरेडी देखने को मिलेंगे और ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग इसको मॉडिफाई करा के एलॉय डिज़ाइन लगाते हैं, तो आपको टॉप मॉडल में एलॉय पहले से ही देखने को मिल जाते हैं। और डिज़ाइन में बात करते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं, तो इसके अंदर यार इतने सारे रंग भर दिए हैं ना रॉयल इनफील्ड ने, टोटल 11 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसके साथ आपको बहुत सारे डुअल टोन कलर्स भी देखने को मिलते हैं। और इसके साथ एक और बड़ी बात करूं तो रॉयल इनफील्ड वाले कस्टम कलर्स को भी ऐड ऑन कर दिए, मतलब आप अपने हिसाब से इसको बता सकते हो रॉयल इनफील्ड वालों की मुझे कैसा कलर चाहिए। थोड़ा सा कलर से ज़्यादा खेल रही है रॉयल इनफील्ड, बस छपरी लोगों के हाथों में ना पड़ जाए। तो इंजन आपको सेम देखने को मिलता है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो प्राइसिंग को अभी नहीं बताया गया है, बोला गया है भाई 1 सितंबर तक वेट करो, लेकिन प्राइसिंग मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बढ़ने वाली है। मान के चलो कि 2.25 लाख तक इसकी एक्स शोरूम जा सकती है, ये मैं ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो अगर बात करते हैं तो क्लासिक 350 अब पूरी की पूरी मॉडर्न हो चुकी है, वो क्लासिक नहीं रही है और बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो बताना यार आपको कौन सी बाइक पसंद है।